उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन यानी 28 नवंबर को सुरंग से सकुशल बाहर निकाले जाने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। और 28 नवंबर को दोपहर में रेस्क्यू टीम सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंची और टनल में पाइप डालने का काम पूरा हुआ। वहीं सुरंग के बाहर एम्बुलेंस बुला लिए गए हैं और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर को टनल में भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा और जानकारी के अनुसार उन्हें सीधे अस्पताल भेजा जाएगा। बताया कि 12 नवंबर को दिवाली के दिन सुरंग धंसने से सभी 41 मजदूर वहां फंस गए थे और उन्हें निकालने के लिए 12 तारीख से ही बचाव कार्य जारी था और अगर मशीन लगाकर भी ड्रिलिंग करके उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इस काम में भी बाधा आ गई। अंततः हाथ से खुदाई करके ही उन तक पहुंचा गया। बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह ही टनल के पास पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री को जानकारी दी। वही माइक्रो टनल विशेषज्ञ क्रिस कूपर ने यह जानकारी दी है कि आज शाम तक मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। So we're still mining. We've got a couple more meters to go. The going is quite easy. We're expecting to see some results by 5 o'clock. So how many meters left? About 2 to 3 meters. Two to three meters. Yes. How much time it will take, according to you, sir? About 5 o'clock, we should see. 5 o'clock. Yes. Sir, today evening we will rescue all the workers. We should see some people. प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।